press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया अली खान जी को, जो कि ना सिर्फ इस फतवा देने वाली गैंग बल्कि शांति दूतों पे भी आज टूट पड़ेंगी। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। दियोबंद गज़वाए हिंद। गज़वाए हिंद का जिन जो है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान के लाल टोपी वाले हिजड़े के पास नहीं है, या बिल्लो रानी के पास नहीं है, या बेनज़ीर भुट्टो के पास नहीं था, या मुशर्रफ के पास नहीं था, या जो चुन्नू मुन्नू आपके पाकिस्तान में घूमते फिरते रहते हैं, उनके पास नहीं है ये जिन। ये जिन हमारे भारत के मुसलमानों के पास भी है। जिस देश में रहते हैं, जिस देश में खाते हैं, जिस देश का पहनते हैं, जिस देश में सुरक्षित रहते हैं, जिस देश से कमाते हैं, जिस देश में आबो हवा में अपने बाल बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, उसी देश में लुंगी उठा उठा करके हगते भी हमारे भारत के मुसलमान। आश्चर्य नहीं हो रहा है मुझे कि अरशद मदनी साहब ने के दारुल उलूम देवबंद जमात से ये बात सामने आई कि हाँ, गज़वाए हिंद जो है वो हुरैरा को रेफरेंस डाल करके ये बात है एक्चुअली में। देखिए, दारुल उलूम जो है ना, वो एक तरीके का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी की वजह से उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम के बगल में ही एटीएस जो है वो एटीएस की ऑफिस बनाई गई थी, एंटी टेररिज्म स्क्वाड की ऑफिस बनाई गई थी। दारुल उलूम के कई ऐसे बच्चे हैं जो कभी हैदराबाद से, कभी पटना से, कभी पश्चिम बंगाल से, कभी उत्तर प्रदेश से, कभी दिल्ली से टेररिज्म एक्टिविटीज करते हुए अरेस्ट होते हैं। इवन 15-16 दिन पहले यूपी एटीएस ने हैदराबाद की पुलिस के मदद से देवबंद दारुल उलूम के 3-4 बच्चों को अरेस्ट किया था, वहां के स्टूडेंट्स को, जो पाकिस्तान से के साथ कनेक्शन रख करके भारत का बुरा करने की पूरी साजिश में लगे। दारुल उलूम वो है जहां पर फतवा जारी होता है कि बाप बेटी एक साथ एक दस्तरखान पर बैठ करके खाना नहीं खा सकते, मियां बीवी एक साथ बैठ करके एक दस्तरखान पर खाना नहीं खा सकते, बाप बेटी एक साथ एक घर में अकेले नहीं रह सकता है, नहीं तो बाप बेटी को मतलब जिस्मानी रिश्ता कर लेगा, नब्ज बहुत हल्का होता है, भाई और बहन एक साथ एक घर में नहीं रह सकते हैं, नहीं तो भाई बहन के साथ जिस्मानी रिश्ता कर लेगा, मुसलमान मर्दों के नब्ज बहुत कमजोर होते हैं। ये दारुल उलूम का फतवा है और ऑन रिकॉर्डेड फतवा है, मैं हवाबाजी नहीं कर रही हूँ, ऑन रिकॉर्डेड फतवा है। 2 साल पहले दारुल उलूम के वेबसाइट को बैन किया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायपालिका द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इंटरवीन किया था और कहा था कि इस वेबसाइट के माध्यम से बहुत सारे ऐसे फतवे जारी किए जा रहे हैं जो भारत के सुकून को भंग करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद फिर मैं नाम ले लेती हूँ उनका, एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं उनका नाम ले लेती हूँ जिस मौलाना साहब ने बैठ करके कहा। अशरफ उस्मानी वॉज क्लियर्ड ऑन मीडिया कि फतवा जो है ना वो सजेशन है, हम लोगों को सजेशन देते हैं। अब लोग पूछते हैं कि गज़वाए हिंद होना चाहिए, होता है, तो मैंने सजेशन दे दिया कि हाँ होता है, तो उन्होंने हामी भर दी। अब किसी ने सजेशन मांगा अशरफ उस्मानी जी से कि क्या भाई और बहन अकेले घर में रहेंगे तो भाई उसके साथ हमबिस्तरगी कर लेगा, तो अशरफ उस्मानी साहब बोल देते हैं देवबंद जमात के कि हाँ नर्व कमजोर है भाई, तो हो सकता है कपड़ा खोल दे, जिप खोल दे भाई बहन के लिए, तो इसलिए भाई और बहन अकेले मत रहो। बाप और बेटी अकेले घर पे रह सकते हैं उस्मानी साहब? नहीं नहीं नहीं, बेटी अगर मतलब 12 साल की हो गई है तो मत रहो, नहीं तो बाप का नब्ज अगर कमजोर है तो वो तुरंत चड्डी उतार देगा बेटी का। तो ये अशरफ उस्मानी साहब सजेशंस पास करते रहते हैं, सजेशंस वेबसाइट के द्वारा, और वो वेबसाइट पूरे भारत में लोग देख सकते हैं और सबको मतलब नोटिफिकेशन भी आता है कि नया फतवा जारी हुआ, देवबंद साहब ने नया फतवा जारी किया, और क्या जारी किया है,
कि बाप बेटी एक साथ एक घर में अकेले मत रहिए, नहीं तो पजामा खोल देगा बाप। क्योंकि मुसलमान बाप का नफ्स बहुत कमजोर होता है, मुसलमान भाई का नफ्स बहुत कमजोर होता है, चड्डी उतार देगा अपनी बहन का। तो ये फतवा देवबंद जारी करता है। अब बात आती है कि आखिर मुसलमान मर्दों का नफ्स इतना कमजोर होता क्यों है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि मैं अपने स्टाफ, अपने जूनियर्स के साथ रात के 3-3 बजे तक, सुबह के 4-4 बजे तक, अभी महाराष्ट्र में मैंने एक कमरे में बैठ करके काम किया है। क्योंकि सुबह जब मैं बाहर जाती हूँ तो हमें बहुत अफरा तफरी का सिचुएशन होता है और हमें 4-5 दिन के अंदर सारे काम फिनिश करके करके के आने पड़ते हैं। तो मेरे जूनियर्स ने तो मुझे नहीं बोला चल मेरा नफ्स कमजोर हो गया चड्डी उतार नाजिया, सब तो हिंदू थे, नहीं बोला। लेकिन ऐसी क्या कमजोरी है जो मुसलमान बाप चड्डी उतार देता है, मुसलमान भाई चड्डी उतार देता है बेटी और बहन का? ऐसा नफ्स कमजोर क्यों होता है मुसलमानों का, मुसलमान मर्दों का? ये मुझे लगता है कि औरतों पर फतवा जारी करने से बेहतर होगा कि दारुल उलूम को मुसलमान मर्दों पर फतवा जारी करना चाहिए कि भाई तुम लोग अपनी आंखें फोड़ दो पेंसिल डाल करके या पेन डाल करके, या सर्कमसेशन जो दो बित्ता नीचे करते हो वो सर्कमसेशन अब आंख का भी करना स्टार्ट कर दो, ना देख पाओगे और ना तुमसे कोई बेहूदगी होगी। तो गजवाए हिंद सिर्फ पाकिस्तान नहीं चाहता है, ये बात तो मैं पिछले 2016 से कह रही हूँ कि गजवाए हिंद भारत के मुसलमान भी चाहते हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उस थाली में लुंगी उठा करके हगने को तैयार है। लेकिन हाँ मुजफ्फर भाई, हम बहुत कानूनी तरीके से, आपके पाकिस्तान वाली हालत नहीं है कि चीफ जस्टिस को लोग मारने दौड़ जाएंगे और उस पर फतवा जारी कर देंगे, कानूनी एतबार से अब पिछले 10 साल से हम बहुत स्ट्रांग है। और ऐसे ऐसे लोगों पर जो कानूनी प्रक्रिया हो रही है और ऐसे ऐसे लोगों को जो जेल की सलाखों में भेजने की तैयारी हो रही है, आने वाले 3-4 साल में देखिएगा कि भारत ऐसे टेररिज्म माइंडेड, ऐसे बेहुदा मुसलमान मर्दों से, ऐसे अश्लील आवारा लुच्चा लफंगा मुसलमान मर्दों से कहीं ना कहीं फ्री हो जाएगा। हम लगे हुए हैं इसको पूरा साफ सुथरा करने के लिए, और सांस तभी लेंगे, शांति से तभी बैठेंगे जिस दिन ये लुच्चे लफंगे मुसलमान यासीन मलिक की तरह जेल की सलाखों के अंदर होंगे। जिस जिस मुसलमान हाथ में पत्थर है वो उस हाथ में हम लोग हथकड़ी पहनाएंगे, जिस जिस मुसलमान मर्दों का पैंट का जिप खुला हुआ है उसको हम हथकड़ी पहनाएंगे, जिस जिस मुसलमान मौलवी मुल्लाओं के जुबान पर गजवाए हिंद है उसके उसको हम हथकड़ी पहनाएंगे, जो जो मुसलमान कैमरा के सामने बैठ करके बोलता है कि जिहाद कुरान ने कहा है, वो इमाम मुल्ला मौलवी ये सारे लोग जेल के अंदर हम भेजेंगे। कोई भेजे ना भेजे, मैं नाजिया इलाही खान जरूर भेजूंगी। मेरे भारत के अंदर एक भी औरत का अबोर बलात्कार में होने नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये सैकड़ों देखे औरतों के बलात्कार हुए पहले भी, ये आपने बात की थी वो संदेशकाली में मेरे ख्याल में वहां पर हुए थे, शाहजहां के खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी किया देवबंद ने, या दूसरे मौलवी वहां के जो हैं उन्होंने उस इलाके के ऊपर फतवा जारी क्यों नहीं किया कि वहां पर सैकड़ों औरतों के साथ रेप किया गया है और रेप करने वाला मुसलमान जो है वो इस वक्त फरार है, उसके खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए था कि वो उसको पकड़ के उसको फांसी देनी चाहिए जो जिसने इतनी जो महिलाओं के साथ रेप किया। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर देखें बहुत सारे मसाइल हैं, सैकड़ों लोग जो है वो खुदकुशियां कर रहे हैं भूख के हाथों, अफलास के हाथों, महंगाई के हाथों। तो जो लोग जिन्होंने इतनी महंगाई की है यहाँ पर, लूटमार मचाई है, उनके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी करते कि इतने लोग मर रहे हैं भूख की वजह से मर रहे हैं, तो जो इनको भूख की वजह से मार रहा है उनके खिलाफ फतवा जारी करें, वो गुनाहगार हैं। न्यूज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इस बच्ची का के पक्ष में बात होनी चाहिए थी और इसके शौहर के ऊपर फतवा जारी होना चाहिए था, पर सब मुंह में पता नहीं क्या ले लिए हैं, लेमन जूस ले लिए हैं, लॉलीपॉप ले लिए हैं, पता नहीं क्या ले लिए हैं। तलाक हुई है शादी 7 जनवरी को हुई थे नागपुर में, बारात हसनपुर में आई थी, मैं इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे टॉर्चर किया गया, जान के लिए बात किए गए, 14 तारीख को तलाक दी गई।
7 जनवरी 2024 को शादी हुई है, सेक्स किया है इसके साथ, और 14 जनवरी को तलाक दे, एक हफ्ते के बाद ही। अब इस पर मुल्ला लोग कुछ नहीं बोलेगा, एक लफ्ज नहीं बोलेगा, एक शब्द मुंह से नहीं निकलेगा। कितना बेहया, बेशरम, बदतमीज, बेहुदा, लुच्चा, लफंगा, आवारा है सब मुल्ला लोग। सारे यही कहेंगे ये लड़की गलत है, ऐसे ही होगा। मुझे तो मुजफ्फर भाई रोज नंगा करते हैं अपने मुंह से, रोज रोज नंगा करते हैं अपने मुंह से। मैं तो अगर कभी कहीं सन्नाटे गली में मिल गई ना इन मुल्लाओं को, तो मेरी तो बोटी, पहले तो रेप करेगा, फिर बोटी बोटी काट देगा मेरा, कि लोग पहचान भी नहीं पाएंगे कि नाजिया कोई थी। इतने आपके दुश्मन है ये। जी, हमारी दुआएं आपके साथ है कि आप महफूज रहे, और ऐसे जो दरिंदे हैं कभी भी आपके जो है साया भी ना छू पाए। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही कीमती वक्त है आपका, बहुत मसरूफ है, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजों को एक्सपोज किया और एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आएगा, और ये वीडियो आपको काफी मजेदार लगी होगी। जहां पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ इन शांति दूतों बल्कि जो भारत में रह के बार बार हर बात पे फतवा निकालते हैं, आज उनको भी जम के दो डाला। जहां पे भारत में एक तरफ गजवा हिंद के ऊपर फतवा निकल रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ऊपर ही फतवा निकल गया है। जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने यह कहा कि उनके लिए पहले कानून है, बाद में इस्लाम। तो आप देख सकते हैं इन शांति दूतों यानी जिहादियों का माइंडसेट। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।